some of the most important features of C++, and onto C are classes, function overloading and operator overloading. Oh my god, oh kitna zyada syllabus hai. Let's take a break. क्या गाइज आप लोग का अभी यही हाल है? और गाइज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है आजकल का वीडियो बनाने में, बट गाइज आज मैं किसी भी तरीके से देख सकते हो किसी भी तरीके से मैं आज वीडियो को लेकर आ गया हूँ. और गाइज आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है. और गाइज आज मैं एक चैलेंज करने वाला हूँ, और वो भी गाइज मतलब बड़े साइज के पोर्ट्रेट को बनाना और गाइज A4 साइज के पेपर से. तो गाइस लेट्स बिगिन द वीडियो. कैसा रहता है आप लोग लाइक करके जरूर बता देना. लेट्स बिगिन. सो गाइस मैं यहाँ पर शैडो इफेक्ट पोर्ट्रेट बनाने वाला हूँ, जिसके कारण मुझे ब्लैक कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसीलिए मैंने ब्लैक कलर को परचेज किया. और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये पोस्टर कलर है और ये थोड़ा सा चमकने वाला कलर है. पोस्टर कलर का यही खास बात है कि आप शैडो इफेक्ट से बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो, और कोई भी पोर्ट्रेट बनाना हो पोस्टर से तो आप बहुत ही इजीली बना सकते हो. पोस्टर कलर आपके लिए बहुत रिकमेंडेड है अगर आप कोई भी पोर्ट्रेट बना रहे हो. तो गाइस यहाँ पर मैं कलर फील करना स्टार्ट कर रहा हूँ. जैसे कि मैंने कहा था कि शैडो इफेक्ट से हम लोग आज ड्रॉ करने वाले हैं, और वो भी बड़े साइज़ का पोर्ट्रेट. और गाइस मेरे पास यहाँ पर A4 साइज़ का ही पेपर है, तो गाइस मैं अलग अलग A4 साइज़ के पेपर को यूज़ करके मैं बड़े साइज़ का पोर्ट्रेट बनाने वाला हूँ. और गाइस ये इसमें मज़ा ही बहुत आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 9 पेपर से यूज़ करके बनाना सोचा है. तो गाइस देखते हैं कैसा बनता है. और इसीलिए गाइज मैंने 9 बॉक्सेस से मैं डिवाइड कर पोर्ट्रेट को रखा हूँ, जिससे कि मेरा बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा काम. और हाँ गाइज बहुत लोग बोल रहे थे कि पेंटिंग कलर क्यों नहीं यूज करते हो, पेंटिंग कलर क्यों नहीं यूज करते हो. तो गाइज लो मैंने आज ये ट्राई कर ही लिया. पोस्टर कलर एक मेरे पास था ब्लैक कलर का, तो गाइज मैं उसी को यूज कर आज शैडो इफेक्ट्स वाला बना रहा हूँ. और गाइज ये मैंने मतलब सेकेंड टाइम पोस्टर कलर को यूज़ किया हूँ. इससे पहले मैंने शायद ड्राइंग कॉपी अपने उसी टाइम में यूज़ किया था जब ड्राइंग कॉपी में मैं ड्रॉ करता था. और गाइस ये मेरा फर्स्ट वीडियो है पोस्टर कलर पे, तो गाइस ये बताना ज़रूर कि कैसा आपको लग रहा है मेरा पोर्ट्रेट. बेसिकली मेरे लिए तो बहुत नया फीलिंग है ये पेंटिंग कलर को यूज़ करना. और गाइज मैं आगे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ आप लोग ज़रूर बता देना. आई नो कि यहाँ पर ऑयल पेस्टल वाले बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, बट गाइज एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर मुझे बहुत ज़्यादा ये रहता है कि मैं हर तरीके का मतलब वीडियो बनाऊँ. तो गाइज इसी के लिए मैंने ये चैलेंज किया हूँ. और गाइज देखते देखते यहाँ पर आइज़ का जो वर्क है स्टार्ट हो गया. और अगर आप शैडो इफेक्ट्स बना रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा रहता है कि आप आईज़ एटलीस्ट सही बनाओ, ताकि शैडो इफेक्ट में सबसे ज़्यादा मेन जो होता है वो होता है आईज़. अगर आप आईज़ अच्छा से नहीं बनाते हो तो गाइज आपका पोर्ट्रेट बहुत ही ख़राब हो सकता है, और इसीलिए मैंने आईज़ में कुछ ज़्यादा ध्यान दिया हूँ. और अगर आपने अभी तक समझ गया है कि कौन जो है जिसका मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो गाइज आप कॉमेंट करके ज़रूर बता देना. आई रियली लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो ईयर का काम स्टार्ट हो गया है. एंड गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा जो ईयर है एंड आईज है, एक एक अलग अलग सारा का बनाना पड़ रहा है अलग अलग A4 साइज के पेपर में, तो थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग है. बट मैंने थोड़ा सा स्केचिंग पहले से करके रखा हूँ ताकि मेजरमेंट मुझे मिले एटलीस्ट. यहाँ पर मैं ग्रिड लाइन मेथड का यूज़ भी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने डायरेक्टली ड्रॉ किया हूँ. और जैसा कि आप देख सकते हो कहीं कहीं पोर्ट्रेट परफेक्टली एंडिंग लाइन तक नहीं टच कर पा रहा है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ एटलीस्ट टच हो, और ताकि आपका पोर्ट्रेट जब जुड़े तो पूरा एक लगे पोर्ट्रेट. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो नेक का काम स्टार्ट हो गया, एंड नेक थोड़ा इजी ही है जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर शैडो इफेक्ट है, तो आप कैसे भी करके बना सकते हो, बट थोड़ा लाइन्स में फोकस करना पड़ता है. और गाइज मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कभी शैडो इफेक्ट पोर्ट्रेट बनाए हो, और अगर बनाए हो तो क्या आपको वो इजी लगता है? मेरे को तो बहुत ज़्यादा इजी लगता है. ऐसे अगर आप पोर्ट्रेट बनाओ तो कुछ ज़्यादा हार्ड लगता है, बट यहाँ पर शैडो इफेक्ट में कुछ ज़्यादा इजी हो जाता है काम.
और सबसे ज़्यादा अगर मुझे हार्ड लगता है कोई पोर्ट्रेट बनाने में तो वो है ऑयल पेस्टल का। ऑयल पेस्टल का सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ है क्योंकि उसमें ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा फोर्सफुली लगता है, इसलिए मैं ऑयल पेस्टल को बहुत ज़्यादा इग्नोर करता हूँ जब भी मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा पेंटिंग को भी ट्राई करना चाहता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा पोर्ट्रेट कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ अब हम लोग सारे के सारे पेपर्स को कंबाइन करके कौन किसका मैं पोर्ट्रेट बनाया हूँ वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो दीवार में मैं अटैच करके पोर्ट्रेट को शो करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ लास्ट लाइनिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैंने सारे के सारे कंबाइन करके डायरेक्टली पोर्ट्रेट को कलर करने की सोचा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कंबाइन करके वहाँ पर उनके बियर्ड को कलर कर रहा हूँ एंड यहाँ पर उनके आईज़ को। और अभी तक अगर आपने नहीं समझे हो तो गाइस आपको क्रिकेट से बिल्कुल भी प्यार नहीं है तो आप समझ सकते हो यहाँ पर द किंग विराट कोहली का स्केच मैं बनाया हूँ। और यहाँ पर आप देख कर बता सकते हो कि कैसा लग रहा है आपको ये विराट कोहली का पोर्ट्रेट। सो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट और लाइक करके ज़रूर बता देना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। अगर आपने लाइक नहीं किया मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।